कचरा देखो यार कितना प्लास्टिक, यही हम करते हैं, सिर्फ फेंकते रहो यार, ट्रेन से खाओ फेंको, अपना क्या है कि नहीं, वही तो डस्टबिन है। एकदम सवेरे सवेरे हो चुका है, लगभग 6 बजने वाला है, तो आज मैं जा रहा हूँ ट्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी। पूरे कौवे हैं यहाँ पे, क्या 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 रात भर कहते रहते, और ये मैं जा रहा हूँ इंडिया, मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप। और आपको पता है ना इंडिया का सदर्न मोस्ट कौन सा है, जहाँ पे मैं गया था, नहीं होगा तो जाकर देखिए, इंदिरा पॉइंट। तो चलना भाई, ट्रेन पकड़ना है ट्रिवेंद्रम से, अभी मैं काफ़ी दूर हूँ। और 28 रुपये का टिकट, अभी मेरा टाइम हुआ 6:22, और ये रहा ट्रेन, ये रहा बस, और मेरे जो ट्रेन है 6:50 नागरगोइल के लिए, चलते हैं। मेरे पास सिर्फ 7 मिनट है, मुझे ट्रेन पकड़ना है, और बस पहले ही रोक दिया, वो भागने का भाई भागने का, तो मिस हो जाएगा ट्रेन। टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म 2, ट्रेन खड़ा है। आना 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 सबरिया नागर कोविल जाना है मुझे। ओके ₹45 लगा मुझे, लेडीज कोच है, सॉरी थैंक यू लेडीज कोच में घुस गया। सिर्फ 1 ही मिनट लगा मुझे ट्रेन मिल चुका, वो ये लंबा ट्रेन है भाई, लंबा ट्रेन। कचरा देखो यार कितना प्लास्टिक, यही हम करते हैं, सिर्फ फेंकते रहो यार, ट्रेन से खाओ फेंको, अपना क्या है कि नहीं, वही तो डस्टबिन है। ये पहुंच गया नागरगोइल पहला स्टॉप। तो अभी मैं अपना ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ, एक ट्रेन लेट हो गया, तो मैं ट्रेन का टिकट मैं ले चुका हूँ, और ये रहा नागरगोइल स्टेशन, और आपको दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, वड़ा और चाय, समोसा वा इनसे मिलिए लगभग 400-500 रुपया बनाते एक दिन में चाय कॉफी का, लगभग 20% कमीशन है, मतलब 100 का ₹20। तो ये रहा अपना भारत के रेल का जनरल अनरिजर्व कंपार्टमेंट, ये रहा लगेज के लिए, लेकिन आप सो भी सकते हैं, इसमें अच्छा है, सब चलेंगे, सिर्फ मैं ही हूँ ये पूरा कंपार्टमेंट में, क्या बात है कि नहीं, ऑसम। तो कन्याकुमारी हम पहुंच चुके हैं, अब निकलते हैं, जाते हैं सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया। बहुत लोग आए हैं, लाइक टू मच पीपल, सो इंटरेस्टिंग। अरे कहाँ से आए आप? राजस्थान, एमपी। एमपी से ये वीडियो बन रहा है, अपनी भाई
बाय बाय। हाँ वीडियो वीडियो बनाए थे बना दे बना दे बना दे ठीक है। तो वो रहा कन्याकुमारी जो सदर्न मोस्ट इंडिया का मेनलैंड इंडिया का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन। अच्छा है ना फैक्ट। तो अभी मैं जा रहा हूँ विवेकानंद रॉक और वहाँ से मैं शायद जाने के लिए मुझे एक बोट पकड़ना पड़ेगा। तो मैं देखूँगा मुझे पसंद होगा तो जाऊँगा नहीं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे टूरिस्टिक प्लेस ज़्यादा पसंद नहीं है। तो चलो चलते हैं 12th-13th floor। ये लग प्रॉब्लम में फंस गया क्योंकि 6th फ्लोर अलाउ था लेकिन 12th-13th फ्लोर हो चुका है एक्सेस। ठीक है चलो थैंक यू। वो मैं बताऊँ बहुत गर्म है यहाँ पे बहुत केरला के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है मुझे। ओह एकदम ड्राई है लेकिन वहाँ नारियल मिल रही है वाह। यही प्रॉब्लम इंडिया का पूरा टूरिस्ट प्लेस जैसे ही रहता है लोग भर भर के उसलिए मुझे पसंद नहीं है टूरिस्टिक प्लेस आना। पागलपन यार उसलिए मुझे पसंद नहीं है आना। तो अभी यहाँ से कोई जेटी मिलता बोलता है शायद इधर तो टिकट लेके जाने का कोशिश करते हैं पसंद नहीं आया तो मैं नहीं जाऊँगा भाई। ये सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है क्या? नो दैट्स द रॉन्ग आंसर। It's Indra Point in Andaman. You know, right? No. ये मैं समुंदर पहुंच चुका हूँ बहुत क्राउड है यार लगभग एक घंटा लगेगा बोलता है। एवलो टाइम आज सर पोटे वर्दक बोलता है एक घंटा हो गया बोलता जाके आने के लिए मैं नहीं जाने वाला हूँ। क्या बोलता है जाना जरूरी है वर्थ है बिल्कुल वर्थ है एक घंटा खड़ा होना चाहिए सीरियसली बहुत लंबा लाइन है यार इतना भीड़ है भाई मैं बताऊँ मैं तो भागना चाहता हूँ अभी सीरियसली कुछ नहीं मेरे पास देखो सब खाना खा रहे वो आ जाकर देखते हैं यार कुछ है वहाँ पे। अरे गर्मी क्यों है यहाँ पे वो भगवान का बस पूछ रहा है आएगा धूप आएगा वो बारिश आएगा डंडा आएगा कुंडी आएगा डंडा आएगा कुंडी आएगा कुछ भी बोलता है। तो वो रहा अपना स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ कहते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे तो उनको यहाँ पे एनलाइटमेंट हुआ था। तो उनका जो मेन टेंपल है उधर है वो रॉक के ऊपर है विवेकानंद रॉक। तो मैं तो वहाँ नहीं जा रहा हूँ अगर आप लोगों को जाना है तो आप जा सकते हैं। तो लगभग ये अपना मेनलैंड इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम वहाँ जाएंगे ठीक है। मस्त में देखो अकेले अकेले खा रहा है खाना नहीं खिला रहा मुझे। हाँ पूरी और क्या है क्या बात है चलो चलो एंजॉय करो। अभी मैं अपने आप को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे आना वर्थ है क्या? मुझे तो लगता नहीं यार आपको पता नहीं। हाँ सदर्न मोस्ट मेनलैंड टिप में आ गया बस खत्म लेकिन और कुछ नहीं है यार यहाँ बहुत सब वो है। चल निकलते हैं धूप के मारे हालत बिगड़ गया। ये गूगल मैप का अनुसार सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया का लास्ट पॉइंट है। तो जितना तक पत्थर है वहाँ तक आप जा सकते हो लेकिन नहीं जा सकते हो वहाँ तक ये खम्बा तक पॉइंट होगा। मैं यहाँ तक जाके देखता हूँ सब गंदा करके रखा है यार। जो मैं अंडमान में जो गया था सदर्न मोस्ट ऑफ टिप ऑफ इंडिया का इतना खुश था मैं भाग दौड़ कर रहा था। यहाँ पे एक्साइटमेंट ठीक है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही लोग हैं और मैं बहुत आसान से आराम से यहाँ पहुँच चुका था। वहाँ पे तो मेरा हलवा पानी टाइट हो गया था। अगर आपने देखा नहीं वीडियो पर क्लिक करिए सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया देखिए। ये है ओ पानी
ये बता रहा है कि आप सदर्न मोस्ट इंडिया का टिप में आ गया। ओ, ये बड़ा आया। और ये इसको बोलते त्रिवेणी संगम। तो ये जो राइट साइड में है वो रहा अपना अरेबियन सी, ये रहा इंडियन ओशन, और ये रहा बाय बंगाल, राइट करेक्ट। ये इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है क्या? तो दोबारा मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ तक आना वर्थ है? ब्लॉगिंग के लिए ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आया ठीक है, लेकिन ऐसे टूरिस्ट मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मुझे पसंद नहीं आया यार उतना भीड़ भड़क्का, देखो सब जगह गंदगी, कुछ भी करते हैं यार लोग सीरियसली। चलो अब निकलते हैं यार, वापस जाऊंगा सिटी साइड में, कुछ मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा, नहीं तो वापस सीधा ट्रिवेंड्रम ठीक है। ये रहा आपके लिए सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया। अभी मैं एक एसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हूँ, कुछ डोसा ऑर्डर किया हूँ, ऐसे बाहर में ही बैठ सकता हूँ उधर में, सिर्फ 5 या 10 रुपये का अंदर ही डिफरेंस। मैं अंदर इसलिए बैठा हूँ, सिर्फ मैं अकेला बैठा हूँ, क्योंकि बाहर इतनी गर्म है, बताऊँ इतनी गर्म है, नहीं बैठ सकते अब। और ये दिसंबर का मिडिल महीना है, आप सोच सकते हो अप्रैल मई में क्या होता है, यहाँ पे रह नहीं सकता, तो सोच समझ के आइए अगर आपको यहाँ आना है तो। मैं तो बोलता हूँ शाम को आओ, देखो उको, रात का ट्रेन पकड़ो या सुबह का सनसेट देखो और निकल जाओ पतली गली, सिंपल ओके। चलो अभी मैं डोसा का वेट कर रहा हूँ, खाता हूँ फिर यहाँ से निकलता हूँ, नहीं होगा मुझसे ठीक है। मेरा बस आ चुका, बीच निकलना है यहाँ से, बहुत परेशान हो गया, सामने का सीट मिलेगा बहुत अच्छा रहेगा, मैं बहुत खुश हूँ बताऊँ। मैं पहला बार एक डेस्टिनेशन से जब निकल रहा हूँ, अभी कितना यार ज़्यादा ज़्यादा 2 घंटे के अंदर, मैं बस मैं जाना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों यार मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पे। दूसरा डेट ये देखो, डायनासोर अभी भी जिंदा यहाँ पे नागर कोविल में, वो बहुत खतरनाक है ना। सोचो जब वो जिंदा था मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, कितना खतरनाक था होगा, है कि नहीं। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ, ये है नागर कोविल का टाउन, वो ये मुझे बहुत पसंद है। कितना दाम है इसका? हाँ कहाँ से हो तुम? यूपी से? कहाँ यूपी कहाँ से हो? ये मजा आ रहा है रहने, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्या बात है, एकदम केओटिक है यार, हमें क्या नहीं है बताओ, सब कुछ मिलेगा सुपरमार्केट। चलो चलते हैं अभी ट्रेन पकड़ने, और इस सफर ये रहा अंडा का बिरयानी। अंडा कहाँ यार? हाँ दो अंडा यहाँ पे गिर ना जाए, दो अंडा। अरे इनको चटनी दो, चटनी नहीं मिला क्या? चटनी नहीं दिया? तमिलनाडु का एक बिरयानी। ए भाई हमारे राजधानी वाले भाई है, आ जा रहे हो? उनका फ्रेंड है। चलो बाय, हैप्पी जर्नी। झूला झूल रहा है उसमें, जा गया। तो ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं, स्टेशन के पास में चल रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे थोड़ा बताइए, ख़त्म करते हैं एक बार ठीक है। ये देखो स्टेशन।